आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी पहली अपडेट आ रही है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH की तरफ से। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और पहले LSP हेलीकॉप्टर की ग्राउंड टेस्टिंग HAL ने शुरू कर दी है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को लेकर अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है और ये जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है। इस लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तहत 15 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, जिनमें से 10 इंडियन एयरफोर्स के लिए होंगे और 5 इंडियन आर्मी के लिए होंगे। हालांकि इस हेलीकॉप्टर को लेकर एक्चुअल रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है। इंडियन एयरफोर्स को SS-65 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाहिए, वहीं इंडियन आर्मी को 97 ऐसे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाहिए। HAL की तरफ से बिना ऑर्डर के इन लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और पहले हेलीकॉप्टर की ग्राउंड टेस्ट कम्प्लीट कर ली गई है। इस हेलीकॉप्टर की 2 यूनिट्स को लद्दाख में डिप्लॉय किया गया है और बावजूद उसके इस हेलीकॉप्टर को लेकर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से जो ऑर्डर नहीं आ रहा है वो एक काफी ज्यादा एम्बैरसिंग सिचुएशन है। अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। ये अपडेट आ रहा है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने एक वेबिनार के दौरान कहा कि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना को 450 से ज्यादा फाइटर जेट्स की आवश्यकता होगी और ये नंबर अपग्रेड होने वाले फाइटर जेट्स को हटाकर है। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना तकरीबन 300 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेगी। अगर इन नंबर्स को डिकोड किया जाए तो समझ में आता है कि भारतीय वायुसेना के चीफ जब 300 फाइटर जेट के अपग्रेड की बात कर रहे हैं तो उनका इंडिकेशन Su-30 MKI के सुपर सुखोई अपग्रेड के बारे में है। और जो ये 450 फाइटर जेट्स की बात हो रही है, ये बात हो रही है 36 रफाल प्लस 114 MMRCA-2 यानी कि 150 फाइटर जेट, 123 तेजस एयरक्राफ्ट जिसमें 40 मार्क 1 और 83 मार्क 1A होंगे। वहीं इन दोनों के अलावा तकरीबन 170 से 80 एक और टाइप का फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। यानी कि मोर ऑर लेस ये क्लियर है कि तेजस मार्क 2 तकरीबन 180 के नंबर में भारतीय वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। प्लान के अनुसार ये सारे फाइटर जेट अगले 20 साल में भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। अब बात करते हैं आज के तीसरे अपडेट के बारे में। तीसरा अपडेट आ रहा है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL ध्रुव की तरफ से। HAL ने 300 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भारतीय सेनाओं को डिलीवर कर दिए हैं। ये हेलीकॉप्टर 4 वेरिएंट में आते हैं, ध्रुव मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4। ध्रुव मार्क 4 रुद्रा नाम से भी जाना जाता है। ये इस हेलीकॉप्टर का आर्म्ड वेरिएंट है। अभी HAL के पास में 73 और हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर है। इसमें से 41 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी के लिए बनाए जा रहे हैं, वहीं 16 हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी के लिए और 16 कोस्ट गार्ड के लिए। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट HAL के सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में से एक है और जिस तरीके से HAL ने हेलीकॉप्टर्स पर काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट की तरफ। अगला अपडेट आ रहा है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 की तरफ से। ये एक बहुत ही बड़ा डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी चेंज है और इसके ऊपर हम लोग डिटेल में एक आर्टिकल करेंगे। इस पॉलिसी चेंज के 2 बहुत ही बड़े एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है ऑफसेट को लेकर। आमतौर पर भारत में जब भी कोई डिफेंस डील होती है तो उसमें 30-50% का एक ऑफसेट क्लॉज होता है, यानी कि उस कंपनी को जिससे इक्विपमेंट खरीदा जा रहा है उसको इस टोटल डील के 30-50% का हिस्सा भारत में वापस से इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन इसके चलते सिंगल वेंडर सिचुएशन में या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में बहुत ज्यादा डिले हो जाती है, क्योंकि आमतौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील इमरजेंसी मोड में की जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में ये ऑफसेट क्लॉज चीजों को और ज्यादा डिले करता है और इस डिले से बचने के लिए सरकार नई पॉलिसी के तहत इन कंपनीज को वेवर दे सकेगी। इस पॉलिसी के तहत अब भारतीय सेनाएं लीज पर इक्विपमेंट ले सकती हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि भारतीय सेनाएं पहले लीज पर इक्विपमेंट नहीं लेती थी, क्योंकि अकुला क्लास की सबमरीन एक ऐसा एग्जांपल है। लेकिन अब पॉलिसी तौर पर भारतीय सेनाएं आसानी से लीज पर इक्विपमेंट ले सकेंगी और इस मैकेनिज्म के तहत भारतीय सेनाएं बॉम्बर्स, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, रिफ्यूलर टैंकर और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे इक्विपमेंट्स आसानी से लीज पर ले सकेंगे और उनको जल्द डिप्लॉय कर सकेंगे।
अब बात करते हैं आज के पांचवें अपडेट के बारे में। ये अपडेट आ रहा है मालदीव से। मालदीव को अपना पहला डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मिल गया है। इस डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को लेकर बात शुरू हुई थी साल 2016 में और अब जाकर ये एयरक्राफ्ट मालदीव को मिला है। इस डिले का सबसे बड़ा कारण है मालदीव के पुराने राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन प्रो चाइना थे और वो नहीं चाहते थे कि भारतीय मिलिट्री प्रेजेंस मालदीव में बढ़े। इनफैक्ट जब वो राष्ट्रपति थे तो मालदीव के पास में भारत का गिफ्ट किया हुआ एक ध्रुव हेलीकॉप्टर है, वो उसको भी वापस करना चाहते थे। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं और मालदीव को अपना पहला डॉर्नियर एयरक्राफ्ट मिल चुका है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।